हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है करेंट डेंसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज करेंट डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। यस, तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन क्या है वो एक बार बोल देता हूं। इसका डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज जिस ओर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज जिस ओर मूव करेगा, या आप बोल सकते हो करंट का डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। सो इट इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, जिस पॉइंट पे आप करंट डेंसिटी डिफाइन करोगे उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का जिस और डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज का जिस और डायरेक्शन होगा, या आप बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज जिस ओर है उसके ऑपोजिट। एक ही बात हुआ, नेगेटिव चार्ज जिस ओर मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के अलोंग ही होगा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्शन हो गया। अभी करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन हो गया, अभी क्या है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, क्या बोला मैंने, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना करंट फ्लो होगा, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से या यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होगा, दैट इज करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड। लिखता हूं और क्लियर होगा, टेंशन मत लेना। करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स। सो मान लेते हैं दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, एंड दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका एरिया मान लेते हैं ए है, जिसका एरिया मान लेते हैं क्या ए है, और इसके अंदर करंट बह रहा है क्या आई। तो पूरा कंडक्टर में से क्या जा रहा है, करंट आई। लैंग्वेज पे ध्यान देना है, पूरा कंडक्टर में से, पूरा कंडक्टर से क्या करंट जा रहा है आई। ठीक है, या आप बोल सकते हो ए एरिया से कितना करंट जा रहा है आई, ए एरिया से कितना करंट जा रहा है आई, ए एरिया से कितना करंट जा रहा है आई। तो यूनिट एरिया से कितना करंट जाएगा, आई बाई ए, आई बाई ए। यस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बार, कंडक्टर से, कंडक्टर में से क्या करंट जा रहा है आई। तो मैं बोल सकता हूं कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए, तो मैं बोल सकता हूं ए एरिया में से कितना करंट जा रहा है आई। तो ए एरिया में से कितना करंट जा रहा है आई, तो यूनिट एरिया में से कितना करंट जाएगा आई बाई ए। अगर ए से जाता है आई तो यूनिट एरिया से जाएगा आई बाई ए, और यूनिट एरिया से कितना करंट जाएगा उसी को ही कहते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज द करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज करंट डेंसिटी विच वी डिनोट बाय जे। स्टूडेंट्स, वी डिनोट करंट डेंसिटी, वी रिप्रेजेंट करंट डेंसिटी बाय जे। ठीक है, और क्लियर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ना,
ये जो एरिया है, दिस एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट. दिस एरिया, जैसे कि यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट. यस, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं. और ध्यान देने, और ध्यान देना स्टूडेंट्स हम लोगों को. तो मान लेते हैं अभी एरिया हम लोग ऐसे ले लेते हैं. कंसंट्रेट करना स्टूडेंट्स, काफी काफी कंसंट्रेट करना है. तो बहुत इजी इजी है, टॉपिक इजी है, लेकिन टॉपिक इजी को इजी रखने के लिए कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होता है. ठीक है, सो दिस इज अ कंडक्टर और इस बार ये है एरिया. कोई टेंशन नहीं लेना है और करंट जा रहा है ऐसे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये जो एरिया है दैट एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, तो मान लेते ये वाला एरिया है ए. टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. ये एरिया क्या है? ए. ठीक है, और इसमें से करंट क्या जा रहा है? आई. लेकिन क्या ये एरिया, क्या ये एरिया करंट के परपेंडिकुलर है? ना. तो क्या मैं J इक्वल्स टू आई बाई ए लिख सकता हूं? ना. क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि सर आपने बोला दिस एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट. यस, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहां पे तो वो एरिया लिखना पड़ेगा जो करंट के परपेंडिकुलर हो. इसका मतलब, इसका मतलब मुझे तो ये वाला एरिया लिखना पड़ेगा. ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, मुझे ये वाला एरिया लिखना है. तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ना, मतलब मैं यहां पे दिखा रहा हूं सिंपल करके, ऐसा था ये वाला एरिया जिसका एरिया कितना है? ए. और मुझे चाहिए ये वाला एरिया. समझ में आ रहा है ना? और दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एंगल है मान लेते हैं थीटा. इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें तो दिखा रहा हूं मैं. ठीक है, ठीक है. तो ये वाला, ये वाला एरिया क्या है? ए. और मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट. तो ये वाला एरिया अगर ए है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एरिया क्या होगा? इट इज ए कॉस थीटा. दिस एरिया, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द करंट. तो इसका वैल्यू क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा ना. बेसिक स्टूडेंट्स, आना चाहिए हम लोग को ये सब चीज. ऐसे इन जनरल यहां पे दिखा देता फिर से एक बार. ठीक है, तो ये वाला एरिया था और ये वाला एरिया मुझे चाहिए था क्योंकि दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. और यहां पे वो एरिया बैठता है जो डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर हो. यस, और ये एंगल था थीटा और ये एरिया था ए. तो ये क्या होगा? ए कॉस थीटा. और ये क्या होगा? ए साइन थीटा. मुझे तो ये चाहिए नहीं, मुझे तो वो एरिया चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. इसलिए हम लोगों ने इस केस में क्या लिखा? दिस वन. एरिया के जगह पे क्या लिखा? दिस वन. इसका एरिया, द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, कितना? ए कॉस थीटा. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं. समझ में आया? आया तो स्टूडेंट्स यहां पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज थीटा, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बोल के देता हूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, यानी कि जे वेक्टर दैट इज करंट डेंसिटी एंड ए वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर. तो यहां पे एरिया कौन था? ये वाला. यही तो था ना जिसका एरिया था ए.
तो थीटा इज द एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, कैसे सर? तो ये अगर एरिया था, ये अगर एरिया था, सो दिस इज एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया होता, यस और नो स्टूडेंट्स? यस। और जे वेक्टर किस और, जे वेक्टर तो करंट की ओर होता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर। तो सर आपने तो बोला थीटा इज द एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, यहां पे तो क्लियरली दिख नहीं रहा है जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कैसे है। हाँ स्टूडेंट्स, जे वेक्टर के, जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा होगा, सिंपल ज्योमेट्री। कैसे? थोड़ा यहां पे दिखाता हूं बड़ा करके। ठीक है, ये था थीटा, जस्ट ज्योमेट्री दिखा रहा और कुछ नहीं। ये था मेरा जे वेक्टर करंट की ओर, टेंशन नहीं लेना है। और ये था मेरा एरिया ए, तो एरिया वेक्टर किस ओर होगा? नॉर्मल टू द एरिया, तो इसका नॉर्मल किस ओर? ऐसे, दिस एरिया वेक्टर। तो मुझे अभी ये दिखाना है कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज थीटा, यस और नो? तो दिखा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा, ये एंगल क्या है 90, ये एंगल क्या है 90, तो ये कितना हुआ, ये वाला कितना हुआ? सर ये 90 और ये दोनों प्लस करके 90 होना चाहिए, मतलब ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। यस, ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, दिस एंगल, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। और ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना, ये वाला, ये वाला, ये वाला टोटल कितना है 90। अभी तो बोला एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, दिस एरिया वेक्टर, यस और नो? दिस परपेंडिकुलर टू द एरिया, यस, समझ में आया? तो ये एंगल कैसे थीटा हुआ, तो ये टोटल कितना है 90, ये टोटल कितना है 90, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होना पड़ेगा थीटा, दिस प्लस दिस शुड बी 90, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा क्या आएगा 90 आ जाएगा, तो हो गया प्रूफ दिस एंगल इज थीटा। समझ में आया? आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, आपने जो एरिया लिया उसका एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी के बीच का एंगल है थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो करंट को, आई इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू लिख सकते हो जे ए कॉस थीटा। ठीक है, और आई इक्वल्स टू लिख सकते हो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने से तो cos of angle between two vectors आता है, तो ठीक ही तो है, it is cos of theta and theta is the angle between j vector and a vector। समझ में आया students? आया। इस केस में, इस केस में theta कितना है, तो क्या बोला मैंने, theta is the angle between current density and area vector, तो if this is the area, तो area vector किस ओर है, इस ओर। If this is the area, तो normal to the area का direction किस ओर है, इस ओर। और current density किस ओर है, positive charge के movement की ओर, इसी ओर। So in this case, both J vector and A vector are along the same direction। तो theta कितना हुआ, 0 degree। Theta कितना हुआ, 0 degree। समझ में आया? तो अगर मैं इस फॉर्मूला में डालू, इस फॉर्मूला में डालू, तो जे क्या आएगा, आई बाय ए कॉस ऑफ 0 degree, कॉस 0 इज 1, सो इट इज आई बाय ए। इसका मतलब मैं इसी को ही जनरल फॉर्मूला मान सकता हूं, इसी को ही मैं जनरल फॉर्मूला मान सकता हूं। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग को अभी करेंट समझ में आता है, करेंट डेंसिटी समझ में आता है, तो मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिए। मान लेते हैं दिस इज अ कंडक्टर, एक ही कंडक्टर है, ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थोड़ा चेंज हो रहा है,
यहाँ पे थोड़ा वाइड है और यहाँ पे थोड़ा नैरो है और इस पर करंट आई फ्लो रहा है। हमारा क्वेश्चन इज अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँ क्या करंट में कोई चेंजेस आएगा, क्या करंट में कोई चेंजेस आएगा? स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिए और थोड़ा सोचिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, तो पॉज करने के बाद आप लोग अभी कंसीडर कर रहा हो कि यहाँ पे आइए हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे करंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, करंट थ्रू दिस कंडक्टर विल बी सेम यहाँ पे और यहाँ पे। क्यों? करंट क्या था स्टूडेंट्स, करंट क्या था? इट वॉज बेसिकली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इट वॉज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां पे क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। ठीक है, और यहां पे क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां से जो चार्ज क्रॉस करेगा यहां से भी सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को ही क्रॉस करना पड़ेगा। समझ में नहीं आया? इन ए गिवन ड्यूरेशन इस क्रॉस सेक्शन से जो अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगा इस क्रॉस सेक्शन से भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही क्रॉस करेगा। यहां से जितना चार्ज घुसेगा यहां से भी उतना ही चार्ज निकलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? बीच में जम नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से जितना घुसेगा इन ए गिवन टाइम यहां से उतना ही निकलना पड़ेगा। तब तो सही है, यहां पे जितना करंट यहां पे भी उतना ही करंट। क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज क्या यहां से यहां आओ, अगर मैं यहां से यहां आओ क्या करंट डेंसिटी में कोई चेंजेस आएगा? सर करंट में कोई चेंजेस नहीं आया, करंट डेंसिटी में तो आना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, सोच के समझ के बोलिए। तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, आंसर निकालिए, उसके बाद यहां पे आइए। नहीं सर टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप ही डायरेक्ट बोल दो, ऐसे थोड़ी ना होता है फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, उसके बाद अभी फिर से आए हो आप। तो देखते हैं यहां से यहां पे क्या करंट डेंसिटी सेम रहेगा। तो मान लेते इसका एरिया है कैपिटल है और इसका एरिया है ए, तो यहां पे करंट डेंसिटी क्या होगा? इट्स आई बाय ए, और यहां पे करंट डेंसिटी क्या होगा? इट इज आई बाय ए। तो आई तो दोनों केसेस में सेम ही है, अभी अभी मैंने दिखाया, तो क्लियरली देख सकते हो जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब यहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। यस और नो? यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहां पे दिख रहा है कि नहीं? जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना। यहां से यहां जाते जाते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमा तो करंट डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। करंट डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स हो गया ना, ये रब कर सकता हूं? यस सर। तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं, जैसे हम लोग पिक्चराइज करते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिमिलरली आप करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए करंट डेंसिटी को भी आप विजुअलाइज कर सकते हो बाय लाइंस, उसको हम लोग स्ट्रीम लाइंस भी कहते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, ये थोड़ा ज्यादा खराब हो गया।
ठीक है, तो आपको इस स्ट्रीमलाइन से क्लियरली शायद समझ में आ रहा है या एक आइडिया मिल रहा है, एक विजुअलाइजेशन मिल रहा है। अब विजुअलाइज कर पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे तो डेंसिटी कम है और यहाँ पे डेंसिटी काफी ज्यादा है, दिख रहा है ना, काफी पास पास लाइंस है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करंट डेंसिटी का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी का फील आया होगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज मैं भूल गया, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, सो जे इक्वल्स टू बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया ना, सो ऐसा यूनिट ऑफ जे यानी कि करंट डेंसिटी इज, करंट का होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, सो इज एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? इसमें ना समझने लायक क्या है, है कि नहीं? सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, क्या देखेंगे? ओम्स लॉ। आप लोगों ने ओम्स लॉ क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, तो मैं उसका कॉन्सेप्ट याद करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा, हम लोग जीरो से ही पढ़ेंगे, सो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। सो ओम्स लॉ स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ क्या कहता है, चलिए लिख लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional, is directly proportional to the potential difference, applied across its ends. ठीक है, एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उसमें से ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी को और एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, समझ में आया? ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई इट इज करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इसका मतलब आप उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ट्वाइस करेंगे तो करंट भी ट्वाइस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को थ्री टाइम्स कर देंगे करंट भी थ्री टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया? आया। नेक्स्ट, इंप्लाइज आई इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल से इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, व्हाट इज आर, आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। तो स्टूडेंट्स ओम्स लॉ, यस ओम्स लॉ सेटिस्फाई करता है कंडक्टर, लेकिन लेकिन यहां पे मैं लिख लेता हूं, प्रोवाइडेड
टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये आप सिंपली लिख सकते हो, प्रोवाइडेड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लोग जिसको कांस्टेंट बोल रहे हैं ना, दैट इज रेजिस्टेंस, वो एक्चुअली टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या आप लिख सकते हो प्रोवाइडेड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज होता रहेगा तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता रहता है। अभी कैसे चेंज होता है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं वी वर्सेस आई ग्राफ। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए, हम लोग को मतलब आप लोगों को। ठीक है, लेट दिस बी वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्म में होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्म में होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्म में होता है, तो उसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन टेन थीटा which is equals to m, इसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इजी है, आपको आता है शायद, अगर नहीं आता तो यहाँ पे सीख लीजिए। ठीक है ना, तो कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्म में होता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, y वर्सेस x ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा और ओरिजिन से ही पास करेगा। ठीक है, और ये जो एंगल है इसका अगर आप टेंजेंट ऑफ दिस एंगल निकालेंगे, मतलब टेन थीटा निकालेंगे, टेंजेंट का ही शॉर्ट फॉर्म है टेन, टेन थीटा निकालेंगे तो उसी को यहाँ पे बोला गया एम से, और जिसका नाम क्या है? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये भी तो y इक्वल्स टू एम एक्स फॉर्म में ही है। व्हाट इज 1/r? व्हाट इज 1/r? 1/r is constant because r is constant. What is r? क्या बोला था? R is proportionality constant called resistance of the conductor. Called resistance of the conductor. ठीक है, कोई problem नहीं। Next, तो आप देख सकते हो अगर मैं ध्यान देना है y equals to mx, y equals to mx, yes, y equals to mx form में है कि नहीं? हाँ सर है। ये वाला i और ये वाला है v, problem? नहीं है problem। तो i versus v graph कैसा आएगा? Straight line passing through the origin, और slope कौन है? It is 1/r। तो इस केस में स्लोप क्या होगा? 1/r। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, इसमें ड्रॉ करना चाहते हैं इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका वाला यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, v इस और i इस और, v इक्वल्स टू आई आर है, v वर्सेस r ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, r तो कांस्टेंट है ना। अगर आपको कोई भी छोटा मोटा कंफ्यूजन हो रहा है तो v इक्वल्स टू आई आर ना लिख के v इक्वल्स टू r i लिख लीजिए, होगा। सो y इक्वल्स टू एम एक्स, y के अलोंग v, x के अलोंग i, तो y इक्वल्स टू एम एक्स, अभी भी तो y इक्वल्स टू एम एक्स ही है, यहाँ पे भी y इक्वल्स टू एम एक्स था, r कांस्टेंट तो 1/r कांस्टेंट ना। So y equals to mx,
तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इस बार m के जगह पे कौन है r, इसका मतलब इस केस में स्लोप क्या होगा r, इस केस में स्लोप क्या होगा r, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया आया ऑब्वियसली आया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको रब कर लेता हूं। स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या है थोड़ा और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, हर एक कंडक्टर का ही ये प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर का ज्यादा होता है, किसी कंडक्टर का कम होता है, लेकिन सभी का होता है। रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, तो अभी इसका इफेक्ट क्या है, क्या होता है, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्चू ऑफ विच इट ओपोजिस the flow of charges through it। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है, इसी से ही आया इसका नाम रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज देखते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोगों ने देखा V इक्वल्स टू आई आर इंप्लाइज आर इक्वल्स टू, या लिख लेते हैं I इक्वल्स टू V बाय आर। सो फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब मान लेते कुछ कंडक्टर्स लिया मैंने, दो तीन चार कुछ कंडक्टर्स लिया और हर एक के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया, मेंटेन किया, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसी से ही देख लेते हैं फिर से। सो आर इक्वल्स टू वी बाई आई, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, V बाई आई। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम लोग को पता है ये सब चीज, वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर ऊपर आएगा, सो एम्पियर इनवर्स, ये हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर इनवर्स। इसी को एक छोटा सा नाम दिया गया ओम, ठीक है, और ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आप वोल्ट एम्पियर इनवर्स बोल सकते हो या ओम भी बोल सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस क्या है, इट इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो हर एक कंडक्टर का ही कम और ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जिस कंडक्टर का एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, एप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगा, उस कंडक्टर को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टर। क्या बोलेंगे, रेजिस्टर। सो रेजिस्टर इज बेसिकली अ कंडक्टर विच हैज एप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस को
कैलकुलेशन में कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ रजिस्टर इन ए सर्किट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी चलिए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, या वो फैक्टर जिसपे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। सो नंबर वन, ये सब एक्सपेरिमेंटली फाउंड रिजल्ट्स है। नंबर वन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टर और उसका लेंथ है एल और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नंबर वन देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उसका ज्यादा होगा। नंबर टू, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि इस केस में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एंड सेम लेंथ का दो नेचर वाला कंडक्टर लिया। जैसे कि मान लेते ये है कॉपर और सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आपने और एक कंडक्टर ले लिया, मान लेते हैं टंगस्टन, तो स्टूडेंट्स आपको दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग मिलेगा। कॉपर के रेजिस्टेंस से टंगस्टन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपने लेंथ सेम लिया, दोनों का लेंथ सेम लिया और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि टंगस्टन का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ साथ वो कंडक्टर का नेचर क्या है, कंडक्टर का मटेरियल का नेचर क्या है, वो कॉपर है ना टंगस्टन है ना मैंगनीन है ना गोल्ड है ना सिल्वर है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इन जनरल आप बोल सकते हो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एक साथ आप बोल सकते हो डायमेंशन बोल सकते हो। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर वन डायमेंशन, इन दोनों को मिला के बोल रहा हूं मैं, डायमेंशन मतलब वही लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, साथ साथ डायमेंशन ऑफ ए कंडक्टर के साथ साथ उस कंडक्टर के मटेरियल, वो कंडक्टर का मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया? तो इन सारे फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर दे तो हम लोग को मिलेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए और आर इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल लिखा तो आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो एल बाई ए। स्टूडेंट्स दिस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो
इसका नाम है रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, या आप रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, बेसिकली आप रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर नहीं बोल सकते। रेजिस्टिविटी इज समथिंग विच इज विच जिसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल कॉपर के लिए एक रेजिस्टिविटी का वैल्यू होगा। अभी कॉपर का वायर आपने कैसे बनाया, थिक करके बनाया, कितना लंबा बनाया, उस पर डिपेंड नहीं करता। कॉपर के लिए एक रेजिस्टिविटी, समझ में आया? एल्यूमिनियम का एक रेजिस्टिविटी, गोल्ड का एक रेजिस्टिविटी, लाइक दैट। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना है सोरा, तो हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस इज ए कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवेन कंडक्टर। आपने कंडक्टर हाथ में, आपके हाथ में दे दिया, जैसे आपके हाथ में कंडक्टर दे दिया मतलब उसका लेंथ कॉन्स्टेंट, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट आपके हाथ में दे दिया, तो उसका एक नेचर भी होगा, वो भी कॉन्स्टेंट। तो रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट बट फॉर अ गिवेन कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, मेरे हाथ में है, क्या इसका रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है? यस। अगर टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर वाला बात में करते हैं, अगर टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तो यस इसका रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, इसका लेंथ कॉन्स्टेंट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है। हाथ में अगर रख दिया तो ये क्या गोल्ड से क्या अचानक टंगस्टन बन जाएगा क्या? नहीं। कॉपर से क्या गोल्ड बन जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब नेचर भी चेंज नहीं होगा। सो फॉर अ गिवन कंडक्टर रेजिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, बिकॉज फॉर अ गिवन कंडक्टर इट्स डायमेंशन यानी कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉन्स्टेंट एंड इट्स नेचर इज सेम, इट्स नेचर विल रिमेन सेम। समझ में आया? आया। एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी को लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ये कंडक्टर दिया, आपने उसको स्ट्रेच करके लंबा कर दिया, स्ट्रेच करके उसका लेंथ को बढ़ा दिया, क्या अभी ये गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर था, क्या अभी ये गोल्ड बन जाएगा? आप इसका लेंथ को बढ़ाते रहेंगे तो कॉपर से गोल्ड बन जाएगा क्या? नहीं, कॉपर कॉपर ही रहेगा। दैट मीन्स इट्स रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे। तो स्टूडेंट्स यहां से ये चीज क्लियर हो जाता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो के ऊपर एंड एल बाई ए के ऊपर। रेजिस्टेंस एल बाई ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल एंड ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बिकॉज रेजिस्टेंस रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और रो का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, यानी कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, समझ में आया? आया। सो दिस इज नेचर एंड दिस इज डायमेंशन। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। तो अगर मैं पूछूं एक कंडक्टर को लेंथ बढ़ा दिया, उसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। एक कंडक्टर को, एक पतला सा कंडक्टर को मेल्ट करके फिर से उसको मोटा करके बनाया, उसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? यस, क्योंकि रेजिस्टेंस नेचर के साथ साथ यानी कि रेजिस्टिविटी के साथ साथ डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर,
और रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर नहीं कहते, रेजिस्टिविटी ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? रेजिस्टिविटी का अगर आपको एसआई यूनिट निकालना है आराम से निकाल सकते हो, सो आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए इंप्लाइज रो इक्वल्स टू क्या होगा, आर इंटू ए बाय एल, ठीक है। सो आर का है ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ का होगा मीटर, तो एक एक मीटर कैंसिल, तो क्या आया रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, इट्स ओम मीटर, ठीक है, इजी स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। सो एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कंडक्टर जिसका लेंथ है एल, जिसका लेंथ है एल, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है, ठीक है, और जिसका रेजिस्टिविटी है रो, जिसके मटेरियल का रेजिस्टिविटी है रो, लैंग्वेज, ठीक है, जिसका मटेरियल का, मेरे कंडक्टर के मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है रो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे हम लोग इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे वी, मान लेते हैं दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे है। सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये सब हम लोगों को पता है, यस और नो स्टूडेंट्स, यस। सो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिए। तो फ्रॉम अवर लास्ट टॉपिक अभी हम लोगों ने देखा है कि V इक्वल्स टू आई आर, वट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब इसका हाई पोटेंशियल इसका लो पोटेंशियल, सो दिस यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर के जगह पे लिख सकते हैं रो एल बाय ए, ठीक है, ठीक है। सो इम्प्लाइज या और V इक्वल्स टू आई बाय ए क्या होता है स्टूडेंट्स, आई बाय ए इज करेंट डेंसिटी, ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन वन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आ जाते हैं फिर से फिगर पे, यहां से यहां तक का सेपरेशन क्या है, यहां से यहां तक का L, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन भी तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा कि E इक्वल्स टू V बाय L, अभी L हो सकता है, कभी D हो सकता है, कभी R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सही है ना, ठीक है, ठीक है, पढ़ा कि नहीं, हाँ पढ़ा तो बहुत बार यूज भी किया, यस, कोई प्रॉब्लम, L के जगह पे कभी कभार L लिखते हैं, कभी कभार D लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डिफरेंस इज V, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। नेक्स्ट, सो इम्प्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो, यस और नो, ठीक है स्टूडेंट्स।
लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू. सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन वी इक्वल्स टू इक्वेशन टू वी इक्वल्स टू, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल्स टू करेंट डेंसिटी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सो लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, सो इम्प्लाइज इक्वल्स टू रो जे. अब वेक्टर साइन देना चाहो दे सकते हो, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर, इस ओर हाई से लो की ओर, और करंट किस ओर, चार्जेस किस ओर फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस ओर. सो अगर पॉजिटिव चार्ज इस ओर फ्लो कर रहा है तो करंट किस ओर फ्लो कर रहा है, इस ओर, यस और नो. और पॉजिटिव चार्ज जिस ओर मूव करता है वही तो होता है करंट का डायरेक्शन, सॉरी वही तो होता है करंट डेंसिटी का डायरेक्शन, यस वही होता है करंट का भी डायरेक्शन. कंफ्यूज नहीं होना है लास्ट टाइम. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, दिस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, सो इस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अभी किसका डायरेक्शन चाहिए आपको, करंट डेंसिटी. पॉजिटिव चार्जेस किस ओर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर. पढ़ा स्टूडेंट्स, पढ़ा हम लोगों ने सब चीज लास्ट चैप्टर्स में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जिस ओर फ्लो करता है वही तो है करंट करंट डेंसिटी का डायरेक्शन. तो करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही है. तो अगर सेम ही है, इसके ऊपर वेक्टर साइन, इसके ऊपर भी वेक्टर साइन, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है. तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, इसी को और एक फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे, जे वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, वन बाय रेजिस्टिविटी ई वेक्टर. यस यस, एंड वन बाय रेजिस्टिविटी या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को और एक फिजिकल क्वांटिटी से नाम दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी. क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी. तो आप वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो व्हाट इज वन बाय रेजिस्टिविटी, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज सिग्मा, इट इज कंडक्टिविटी. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत इजी था. स्टूडेंट्स एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर is R ohm. The resistance of a wire is R ohm. ठीक है, what will be its new resistance if it is stretched to n times its original length? Students, एक कंडक्टर है या एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R ohm. अगर उसको हम लोग स्ट्रेच करके n times कर देंगे, अगर उसको हम लोग स्ट्रेच करके उसका लेंथ को n टाइम्स कर देंगे ओरिजिनल लेंथ के साथ, मतलब n मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखते हैं. ये है मेरा ओरिजिनल वायर जिसका लेंथ मान लेते हैं l, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a. ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R. ठीक है, और जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रेजिस्टिविटी क्या है, रो. ठीक है, सो R इक्वल्स टू क्या होगा, रो L बाय A. ठीक है, नेक्स्ट, अभी इसका लेंथ को स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया गया. ठीक है, तो अभी इसका लेंथ क्या है, अभी इसका लेंथ क्या है, nl. पहले अगर l था, अभी क्या है, n टाइम्स l, n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और स्ट्रेच करने से नेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो रेजिस्टिविटी रो था पहले, अभी भी रो है.
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो स्टूडेंट्स पतला हो जाएगा, यस और नो? अगर आप स्ट्रेच कर देंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम हो जाएगा, यस। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा अभी? तो अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एडेश। क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप स्ट्रेच करके उसका लेंथ बढ़ाएंगे, उसके टोटल वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, यस और नो? यस और नो? सो वॉल्यूम विल रिमेन सेम। इसको अगर आप स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ाएंगे तो पतला होगा, लेकिन ओवरऑल टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, यस yes? तो लिख देखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर वन बना देते हैं। तो लिखते हैं सिंस वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब यहां पे जो वॉल्यूम होगा और यहां पे जो वॉल्यूम होगा सेम होगा। तो यहां पे वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी कि ए डैश एल डैश। और पहले क्या वॉल्यूम था? ए मल्टीप्लाइड बाय एल, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ सकता, यस और नो? यस सर। इम्प्लाइज ए डैश इक्वल्स टू ए एल, और एल डैश के जगह पे लिख सकते स्टूडेंट्स एन एल। तो एल एल हो गया कैंसिल, इम्प्लाइज ए डैश इक्वल्स टू ए बाई एन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका लेंथ चेंज हो गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हो गया, क्या हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ए बाई एन। तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस मान लेते आर डैश है, तो अभी रेजिस्टेंस क्या होगा? आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश बाय ए डैश। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्प्लाइज आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश के जगह पे लिख लेते हैं एन एल, एल डैश के जगह पे लिख लेते हैं एन एल, और ए डैश के जगह पे लिख लेते हैं ए बाई एन, ठीक है, ठीक है। इम्प्लाइज आर डैश इक्वल्स टू एन, ऊपर जाके एन मल्टीप्लाइड बाई एन हो जाएगा एन स्क्वायर रो एल बाई ए। सो इम्प्लाइज नया रेजिस्टेंस यानी कि लेंथ बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर रो एल बाई, क्या था? रो एल बाई था और आई रो एल बाई ए था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, आंसर आ चुका है। सो आर डैश इक्वल्स टू यानी कि नया रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ टू एन टाइम्स, सो नया रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर, नया रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एन स्क्वायर ओरिजिनल रेजिस्टेंस। समझ में आया स्टूडेंट्स? सिमिलरली क्वेश्चन पे आपको दिया जा सकता है कि लेंथ को तीन गुना कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? थ्री स्क्वायर टाइम्स। लेंथ को फाइव टाइम्स कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? फाइव स्क्वायर टाइम्स। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे तो ये सब स्टेप्स लिखना पड़ेगा, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स में लिख रहे हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है ना? तो अगर बोर्ड एग्जाम्स में लिख रहे हो तो स्टूडेंट्स ये सब स्टेप्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया? अगर क्वेश्चन आता है कि वायर को स्ट्रेच करके लेंथ जो है उसका फाइव टाइम्स कर दिया गया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? अब डायरेक्ट फाइव स्क्वायर आर नहीं लिख सकते इन बोर्ड एग्जाम, आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में आएगा फाइव स्क्वायर आर, ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। सिलिंड्रिकल वायर मतलब टेंशन नहीं लेना है, अगर सिलिंड्रिकल नहीं भी होता है तो हम लोग सिलिंड्रिकल ही लेते हैं, है कि नहीं? ऐसे लेते हैं ना वायर्स। तो बोला स्ट्रेच टू इंक्रीज इज लेंथ बाय 10%, बाय 10%। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, न्यू लेंथ क्या होगा? एल डैश इक्वल्स टू लैंग्वेज ध्यान पे देखना है, लेंथ बाय 10% मतलब न्यू लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर ऐसे कहते हैं ना स्टूडेंट्स हम लोग
लैंग्वेज ध्यान देना है। अगर ऐसे कहते हैं, वैसे तो मेरा भी इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मैं समझा सकता हूँ। अगर ऐसे कहा जाता है कि द वायर इज स्ट्रेच्ड टू एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो होगा न्यू लेंथ इज एनएल, ठीक है, स्ट्रेच्ड टू। और अगर ऐसा कहता है स्ट्रेच्ड बाय, तो होगा न्यू लेंथ इक्वल्स टू एल प्लस एनएल, ठीक है। तो यहां पे जनरल है, अगर मैं कहता हूं माय मार्क इज इंक्रीज्ड, पहले मुझे मिला था 100 में 70, और अगर मैं कहता हूं अगर मेरा मार्क इंक्रीज टू 80, मतलब अभी मुझे कितना मिला 80, और अगर मैं कहता हूं इंक्रीज्ड बाय 10, मतलब 70 प्लस 10, ठीक है। तो यहां पे अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे अच्छी तरह से, सिलेंड्रिकल वायर इट्स स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, लेंथ बाय 10%, तो न्यू लेंथ जो है वो है ओरिजिनल लेंथ प्लस 10% ऑफ एल, ठीक है। सो इम्प्लाइज एल डैश इक्वल्स टू एल, 10% इज बेसिकली 10 बाय 100, सो 10 बाय 100 इज 1 बाय 10, 1 बाय 10 इज 0.1 L, सो इम्प्लाइज एल डैश इक्वल्स टू एल को अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 0.1, सो 1 प्लस 0.1 इज 1.1, ठीक है, ठीक है। तो ये तो जाना पहचाना फॉर्म में आ चुका है, अभी तो आना चाहिए आपको, यस और नो स्टूडेंट्स? हाँ, एल डैश इक्वल्स टू एन एल होने से आपको तो आता है ना कैसे करना है, लास्ट क्वेश्चन, यस, ठीक है। तो नाउ न्यू तो सब हम लोग डैश डैश देके लिखते हैं, सो नाउ अभी का वॉल्यूम और पुराना वॉल्यूम, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम सेम होना चाहिए, वॉल्यूम में कैसे चेंजेस आ जाएगा, सो इम्प्लाइज ए डैश इक्वल्स टू ए एल बाय एल डैश, और एल डैश के जगह पे लिखेंगे 1.1 L, एल एल कैंसिल, इम्प्लाइज ए डैश इक्वल्स टू ए बाय 1.1। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर थोड़ा टफ लगेगा बाय चांस इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हुआ अच्छी तरह से, ठीक है, ऐसे नहीं लगना चाहिए टफ, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गया, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा यार, फॉर न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, वैसे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1.1 स्क्वायर एल, यस और नो? अगर न्यू लेंथ इज एन टाइम्स ओरिजिनल लेंथ, देन न्यू रेजिस्टेंस इज एन स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, अभी अभी निकाल के दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से ही सॉल्व कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। सो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर डैश इक्वल्स टू रो, रो डैश नहीं लिखते हम लोग, बिकॉज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है, और लेंथ बढ़ाने से नेचर कैसे चेंज हो जाएगा, लेंथ बढ़ाने से सिल्वर गोल्ड बन जाएगा क्या, अगर ऐसा होता तब तो सिल्वर खरीद के लाते, खींच खींच के लंबा करते, गोल्ड बन जाता। तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर पे, यस। सो आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश बाय ए डैश, यस, सो इम्प्लाइज आर डैश इक्वल्स टू रो, एल डैश के जगह पे लिखेंगे 1.1 L, यस, और ए डैश के जगह पे लिखेंगे ए बाय 1.1, ए बाय 1.1, सो इम्प्लाइज आर डैश इक्वल्स टू 1.1 ऊपर आएगा, ऊपर ऑलरेडी एक 1.1 है, हो जाएगा 1.1 स्क्वायर रो एल बाय ए, यस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रो एल बाय ए क्या था, रो एल डैश बाय ए डैश इज न्यू रेजिस्टेंस, और रो एल बाय ए क्या है, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, सो आप लिख सकते हो आर डैश इक्वल्स टू 1.1 स्क्वायर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में न्यू रेजिस्टेंस निकालने दिया, नहीं, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकालने दिया, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस,
इसका मतलब मुझे तो न्यू रेजिस्टेंस निकालने नहीं दिया, लेकिन ये चाहिए होगा। ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोग को हमेशा याद रखना है कि परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमेशा याद रखना है। चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर पॉजिटिव में आया तो परसेंटेज इंक्रीज, अगर नेगेटिव में आया तो परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो निकालते परसेंटेज इंक्रीज बोला, हम लोग परसेंटेज चेंज निकालेंगे। सो परसेंटेज चेंज, ये वाला पार्ट ड्रॉप कर देता हूं स्टूडेंट्स। हाँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। तो अभी हम लोग निकालेंगे परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, चेंज। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो परसेंटेज चेंज इन क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस चाहिए। तो चेंज की जगह पे क्या लिखेंगे, चेंज। चेंज मतलब फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या बना, चेंज, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब इनिशियल। ठीक है, यहां पे आप ओरिजिनल ना लेके इनिशियल लिख सकते हो, इनिशियल। ठीक है, सो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, चेंज बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ठीक है, सो इक्वल्स टू फाइनल रेजिस्टेंस क्या आया था, फाइनल रेजिस्टेंस यानी कि लेंथ बढ़ाने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस क्या आया था, आरडेश। तो आरडेश ही लिखता हूं फिलहाल, माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस यानी कि लेंथ बढ़ाने से पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या था, आर, डिवाइडेड बाय इनिशियल यानी कि ओरिजिनल आर, मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू आर डैश क्या है, 1.1 स्क्वायर आर। तो 1.1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर होता है 121, सो 1.21 आर आर होगा। ठीक है, सो आर डैश की जगह पे लिख लेते 1.21 आर माइनस आर बाय आर इनटू 100। ठीक है, सो आर कॉमन ले लेते ऊपर, तो आर कॉमन आएगा 1.21 माइनस 1 by R multiplied by 100, R cancel, yes, R cancel, तो 1.21 minus 1, it's 0.21, यानि कि 21 by 100, 100 cancel, I got 21%, positive में आया कि नहीं students, yes, तो positive में आया मतलब, percentage change ना बोल के आप बोल सकते हो, percentage increase is 21%, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज 21%। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी था, तो बहुत इजी था, डिफिकल्ट एकदम नहीं है, इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और यही आज का लास्ट एग्जांपल होगा। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल देखने से पहले थोड़ा आप लोगों का बेसिक्स चेक कर लेते हैं, आप लोगों को आता होगा शायद फिर भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्लोप क्या है वो तो मैंने थोड़ा बोल दिया था, वैसे तो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, फिर भी मैंने थोड़ा बोल दिया। इफ दिस इज द स्ट्रेट लाइन और ये अगर एंगल है थीटा, मतलब इस एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, इस एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये अगर एंगल है थीटा तो इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, स्लोप को हम लोग बहुत जगह पे एम से डिनोट करते हैं,
एंड स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा. यस ठीक है. तो यहां पे आइए फिर से. तो ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन. अगर मैं पूछूं, मान लेते ये है ए और ये बी, स्ट्रेट लाइन का नाम ए और स्ट्रेट लाइन का लंब बी, तो अगर मैं पूछूं स्ट्रेट लाइन ए का स्लोप ज्यादा है या स्ट्रेट लाइन बी का स्लोप ज्यादा है, तो स्टूडेंट देखते हैं आंसर. इसने एंगल बनाया थीटा वन मान लेते और इसने एंगल बनाया थीटा टू. थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको. क्लियरली दिख रहा है कि थीटा वन एंड थीटा टू बोथ आर एक्यूट एंगल, मतलब 0 से 90 के बीच में. दिस टोटल एंगल इज 90, तो ऑब्वियसली 90 से तो कम है, दिख ही रहा है ना, दोनों थीटा वन एंड थीटा टू दोनों 90 से कम है, वो तो दिख ही रहा है. सो बोथ आर एक्यूट एंगल, ठीक है. सो क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, एंड ऑब्वियसली टेन थीटा टू विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा वन. स्टूडेंट्स फॉर एक्यूट एंगल, या आप बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो और इजी करके बोल रहा हूं, 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ना, टेन थीटा भी बढ़ता है. और एक बार, 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, टेन थीटा भी बढ़ता है. ठीक है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, थीटा वन एंड थीटा दोनों 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में, हाँ. तो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, तो टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन टेन थीटा वन, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन. समझ में आया कि नहीं? ऐसे मान लीजिए दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक मतलब 0 से 90. तो अगर ऐसे जाओ तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है, मतलब थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है, स्लोप भी बढ़ रहा है. अरे टेन थीटा ही तो स्लोप है. तो याद रहेगा स्टूडेंट्स ये चीज, 0 से 90 जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे टेन थीटा बढ़ता है, और टेन थीटा बढ़ना यानी कि स्लोप बढ़ना. ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल दीजिए सिंपली, थीटा टू बढ़ा ना, थीटा वन बढ़ा, सर थीटा टू बढ़ा, तो टेन थीटा टू बढ़ा होगा ना, टेन थीटा वन बढ़ा होगा, टेन थीटा टू बढ़ा होगा. तो टेन थीटा टू बढ़ा मतलब क्या बढ़ा, मतलब टेन थीटा टू क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप. टेन थीटा वन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए. ठीक है, और ये वाला सिंपल है, ये वाला याद रखिए, ऐसे क्या बरा, थीटा बरा, तो क्या बरा, टेन थीटा बरा, तो क्या बरा, स्लोप बड़ा. ठीक है, याद रहेगा ये चीज, हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स. ठीक है, वैसे तो आप लोगों को मैथमेटिक्स में ये सब चीज करवाया होगा और बहुत डेप्थ में पढ़ाया होगा, है कि नहीं, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स नहीं होता, थोड़ा बोल दिया इसलिए मैंने. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत इजी है. द वी आई ग्राफ ऑफ टू मेटेलिक वायर्स, यानी कि टू मेटेलिक कंडक्टर्स एक्स एंड वाई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. स्टूडेंट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इसीलिए बोलता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मतलब आप बोल सकते हो इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट देन रेजिस्टेंस विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, वैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है वो भी हम लोग देखेंगे अगला क्लासेस में. ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लिखता है, इसका ये मतलब है, ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. ठीक है, द वीआई ग्राफ ऑफ टू मेटेलिक वायर्स एक्स एंड वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर शोन इन फिगर. अच्छा, ये आई वर्सेस बी ग्राफ है या बी वर्सेस आई ग्राफ है, जो भी है, दो वायर है एक्स एंड वाई और दोनों का वी एन आई ग्राफ दिख रहा है आपको. हम लोगों को पहले से पता है कि स्ट्रेट लाइन आता है और कहां से जाता है, ओरिजिन से जाता है, ये मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया. Assuming that the wires have the same length, and the same diameter. अगर diameter same, ध्यान से, अगर diameter same, तो radius same. अगर radius same, तो area of cross section same. हाँ या ना? इसका area of cross section क्या होगा? Pi r square. तो diameter same, तो radius same. Radius same, तो area of cross section same. तो ये इसका मतलब ये है,
कि दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है क्योंकि डायमीटर सेम है और दोनों वायर का लेंथ भी सेम है। अभी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विच ऑफ द टू वायर्स हैव लार्जर रेजिस्टिविटी। विच ऑफ द टू वायर्स हैव लार्जर रेजिस्टिविटी हो जाएगा, बेसिक भी मैंने क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो अभी सिंपली बोल दीजिए, सबसे पहले मुझे ये बोल दीजिए, एक्स और वाई में से किसका स्लोप ज्यादा है, एक्स और वाई में से किसका स्लोप ज्यादा, वाई का स्लोप ज्यादा, यस और नो, यस। तो लिखता हूं स्टूडेंट, ध्यान देना, स्लोप ऑफ वाई इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आप अगर भूल चुके हो तो देख लो एक बार चेक करके, आई वर्सेस वी ग्राफ, आई वर्सेस वी ग्राफ का स्लोप क्या आता है, वन बाय रेजिस्टेंस आता है, क्या आता है, वन बाय रेजिस्टेंस। आई वर्सेस वी ग्राफ मतलब अगर इस और आई होता है और इस और वी होता है, अगर इस और आई होता है इस और वी होता है तो स्लोप क्या आता है, चेक कर लीजिए एक बार, वन बाय आर आता है। मैंने पढ़ाया, चेक करना है मतलब कहां से चेक करना है, बुक से नहीं, मैंने तो पढ़ाया आज, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वाई इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एक्स, स्लोप क्या आता है, वन बाय रेजिस्टेंस। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, वन बाय रेजिस्टेंस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन वन बाय रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेजिस्टेंस क्या था स्टूडेंट, रो एल बाय ए था ना, रेजिस्टेंस क्या था, रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस क्या था, रो एल बाय ए। तो इसको मैं रो एल बाय ए लिखने से पहले थोड़ा ठीक कर देता हूं, इसको पूरा उल्टा कर देता हूं, उल्टा करने से ये उल्टा हो जाता है, पता है ना स्टूडेंट्स ये सब चीज, पता है ना। सो आर वाई इज लेस देन आर एक्स, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाई इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, ये उल्टा करने से ये भी उल्टा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना है। सो इम्प्लाइज इसके जगह पे रो एल बाय ए लिखते हैं, सो रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, एल और ए तो दोनों का सेम है इसलिए एल वाई ए वाई एल एक्स ए एक्स नहीं लिखा, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला है सेम नेचर का नहीं है, Assuming that the wires have the same length and same diameter, same length, इसलिए एल एल लिखा, same diameter, अगर same diameter तो same radius, और same radius तो same area of cross section, इसलिए ए ए लिखा। Explain which of the two wires have larger resistivity, पूछा किसका ज्यादा है resistivity, तो resistivity तो same नहीं ले सकते, तो इसका लिया रो सफिक्स वाई, इसका लिया रो सफिक्स एक्स, ठीक है। तो दोनों और एल बाई ए उड़ा देते हैं, सो क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर वाई इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर एक्स, इसका मतलब किसका ज्यादा, विच ऑफ द टू वायर्स हैव लार्जर रेजिस्टिविटी, एक्स जो वायर होगा एक्स उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, एक्स जो वायर है उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है।